मॉडर्न सोर्सेस, इन मॉडर्न सोर्सेस इन हिंदूला दिस सोर्सेस फर्दर डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट। जो मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदूला है उसे सेवरल पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है लेजिस्लेशन, दूसरा है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हम जुडिशियल डिसीजन भी कहते हैं, तीसरा है इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसेंस। अब हम पहला पढ़ेंगे लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन इज ए मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। इन मॉडर्न सोसाइटी दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग अ न्यू लॉ। लेजिस्लेशन जो ये मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है, मॉडर्न सोसाइटी में एक जरिया था जो न्यू लॉ लाया गया, बिकॉज क्योंकि द गवर्नमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज वेरी स्लो। ब्रिटिश के समय जो गवर्नमेंट था उसका रूल था बहुत ही स्लो था, एंड कॉज इट टू चेंज हिंदू लॉ बाई लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन। हिंदू लॉ कुछ सतर्कता से लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन के कारण उसे चेंज किया गया। हाउ एवर, किस तरह से, द लेजिस्लेचर मॉडिफिकेशन टिल 15 अगस्त 1947 आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो फर्स्ट टाइम चेंज हुआ 15 अगस्त 1947 को, वो सिग्निफिकेंट नहीं था। सम ऑफ स्टेट्यूट्स विच हैव इफेक्टेड मॉडिफिकेशन इन हिंदू लॉ, हिंदू लॉ में कुछ हद तक मॉडिफिकेशन हुआ, चेंज हुआ, आइदर बाई रिफॉर्मिंग हिंदू लॉ, या तो हम कह सकते हैं जो पुराने जो रूल थे उसे रिफॉर्म किया गया। आगे देखते हैं, द हिंदू लॉ हैज बीन सब्सटेंटली चेंज्ड बाय द फॉलोइंग एक्ट। हिंदू लॉ जो है कुछ एक्ट के द्वारा उसे चेंज किया गया है। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, द हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856, द कास्ट डिसएबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850, द स्पेशल मैरिज एक्ट 1872, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, द हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1955 etc. ये जितने सारे चेंज किए गए हैं ये सब सारे एक्ट हैं। अब हम आगे देखते हैं, प्रेसिडेंट, जुडिशियल डिसीजन ऑफ एशियन टाइम वेयर नॉट रिकॉर्डेड एंड नॉट रिटन एनीवेयर। जुडिशियल डिसीजन जो है प्राचीन काल में कहीं रिकॉर्ड नहीं होते थे, ना ही कहीं लिखे जाते थे। प्रेसिडेंट एंड स्टेयर डेसिस आर गिफ्ट ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन इंडिया। प्रेसिडेंट और स्टेयर डेसिस जो है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का दिया हुआ एक तोहफा है भारत में न्याय के लिए। प्रेसिडेंट इज नोन एज द सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। प्रेसिडेंट को भी हम सोर्स ऑफ हिंदू लॉ कहते हैं, बिकॉज क्योंकि ऑल द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल एंड रूल आर रिकॉर्डेड इन केस लॉ। सभी महत्वपूर्ण प्रिंसिपल और रूल जो हैं केस लॉ में रिकॉर्ड हो रहे थे। द डिसीजन ओवर एनी डिस्प्यूट मैटर, किसी डिस्प्यूट पे कोई डिसीजन दिया गया हो, विच शैल बी गाइडलाइन फॉर द डिस्पोजिशन ऑफ फ्यूचर सिमिलर डिस्प्यूट मैटर। अगर फ्यूचर में कोई सिमिलर डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए ये गाइडलाइन होगा। द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड प्रिवी काउंसिल इज बाइंडिंग ओवर ऑल द सबोर्डिनेट कोर्ट। जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, प्रिवी काउंसिल का, वो सभी सबोर्डिनेट कोर्ट को मानना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से और प्रिवी काउंसिल से सभी कोर्ट बाइंडिंग है। अब हम तीसरा देखेंगे, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। इक्विटी मतलब इक्वालिटी, जस्टिस मतलब न्याय, गुड कंसाइंस मतलब अच्छा सोच। अब हम आगे देखते हैं, इक्विटी मीन्स फेयरनेस डीलिंग। इक्विटी मतलब होता है कि साफ सुथरा डील करना। मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम ग्रेटली रिलाई ऑन बीइंग इम्पार्शियल। मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम जो है वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, ना किसी से पार्शियलिटी करता है। ट्रू जस्टिस कैन ओनली बी डिलीवर थ्रू इक्वेलिटी एंड गुड कंसाइंस। ट्रू जस्टिस, जो सच्चा न्याय होता है, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के जरिए ही डिलीवर होता है। इन इट्स मॉडर्न वर्जन द इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस एज ए सोर्स ऑफ लॉ। मॉडर्न वर्जन में देखा जाए तो इक्विटी, जस्टिस, गुड कंसाइंस जो है ये सोर्स ऑफ लॉ है। इट्स ओरिजिन टू द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश, और इसकी शुरुआत ब्रिटिश के समय से ही हो गई थी। When the law was silent on a matter, किसी मैटर पे लॉ साइलेंट है, they should decide the case in accordance with justice, equity and good conscience. जो केस है उसे हम जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के जरिए हम उस केस को डिसाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू गौतमा, गौतमा के द्वारा देखा जाए,
In such situation, the decision should be given that is acceptable to at least 10 people who knowledgeable in शास्त्रार्थ। गौतमा के द्वारा ये बताया जा रहा है कि 10 व्यक्ति ऐसे हो जिन्हें शास्त्रा में ज्ञान हो और जो डिसीजन दिया गया है उन्हें एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार हो। आगे देखते हैं किस लायक है। गुरुनाथ वर्सेस कमलाबाई। सुप्रीम कोर्ट से डेट इट इज नाउ वेल स्टेबलाइज्ड डेट इन द अब्सेंस ऑफ एनी रूल ऑफ हिंदू लॉ। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि हिंदू लॉ में कोई ऐसा रूल हो जो अब्सेंस हो। द कोर्ट हैव अथॉरिटी टू डिसाइड केस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्वेलिटी एंड गुड कंसाइंस। कोर्ट के पास ये अथॉरिटी है कि वो जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के जरिए उस केस को डिसाइड कर सके। यहाँ पे इक्वलिटी दोस्तों लिखा हुआ है, इसको हम इक्विटी भी बोल सकते हैं। इक्विटी मतलब इक्वलिटी ही होता है। चलिए दोस्तों, इस तरह यह वीडियो मेरा ख़त्म होता है। सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आए, और लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करिएगा। बाय।